आज के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। जैसा कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिसाल को देखें। x की कोई भी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इक्वेशन का रूट कहलाएगी। यहाँ सेटिस्फाई का मतलब ये है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। यहाँ अगर हम x को -2 के साथ रिप्लेस करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह अगर इक्वेशन को -3 के साथ रिप्लेस किया जाए तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स x is equal to -2 और x is equal to -3 हैं। यहाँ कुछ और भी तरीके हैं जिनकी मदद से हम ये हल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि -2 और -3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, या -2 और -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपने जीरोस और रूट्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप इसे आम फहम बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax2 bx c के जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 bx c इज इक्वल टू 0 के रूट्स बराबर हैं। पॉलिनोमियल्स के जीरोस बिल्कुल इक्वेशन के रूट्स की तरह हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ax2 bx c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जबकि क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है x is equal to -b ± √b² - 4ac/2a। ax² - bx + c is equal to 0 में a, b, c रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं, जबकि b² - 4ac एक वेरिएबल क्वांटिटी है। b² - 4ac ये वैल्यू ही रूट की नेचर को बदलेगी। अगर देखा जाए तो इस वैल्यू की तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं, जो कि ये हैं। पॉइंट नंबर 1, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये वैल्यू b² - 4ac 0 से ग्रेटर हो। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब अगर इस इक्वेशन में 4ac को राइट साइड पर शिफ्ट किया जाए तो b² 4ac से ग्रेटर होगा। पॉइंट नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि b² - 4ac 0 के बराबर हो। b² - 4ac इज इक्वल टू 0। 4ac को राइट साइड पर शिफ्ट करने से b² 4ac के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 3, ऐसा भी पॉसिबल है कि b² - 4ac 0 से लेस देन हो। b² - 4ac इज लेस देन 0। 4ac को राइट साइड पर लेकर जाने से b² 4ac से छोटा होगा। ax² - bx + c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में b x का कोएफिशिएंट है। b का स्क्वायर 4 टाइम्स 4ac के बराबर होगा तो वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब अगर इक्वेशन के रूट्स को देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रूट्स ये हैं। x1 इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a। x² इज इक्वल टू -b - √b² - 4ac/2a। अगर फर्स्ट रूट में b² - 4ac की 0 वैल्यू होगी तो सेकंड रूट में भी ये 0 होगी। हम कह सकते हैं कि x1 is equal to x2। किसी भी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला ही एक इक्वेशन के रूट्स को दूसरी इक्वेशन के रूट से मुनफरिद करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c is equal to 0 के रूट्स इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए बताए जाते हैं। अब इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या होंगे? ये x = -b + √b² - 4ac/2a और x = -b - √b² - 4ac/2a हैं। रूट्स की नेचर एक अहम वैल्यू पर इन्हिसार करती है और ये वैल्यू स्क्वायर रूट में दी गई वैल्यू यानी b² - 4ac है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये वैल्यू अहम है? ऐसा इसलिए है कि ये रूट्स की नेचर को डिसाइड करती है।
अगर आप इस बारे में सोचें तो इस वैल्यू के तीन इम्कानात हो सकते हैं, ये जीरो से बड़ी हो सकती है, ये जीरो के बराबर हो सकती है और ये जीरो से छोटी हो सकती है। पहले केस में क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि वैल्यू मुस्बत है तो नंबर के स्क्वायर रूट का नतीजा रियल नंबर आएगा और इसका मतलब है कि दोनों रूट्स रियल होंगे और मुख्तलिफ भी। अब हम केस 1 को समझने के लिए एग्जांपल 1x² - 5x + 5 = 0 को देखते हैं। इस इक्वेशन के जरिए हमें a = 1, b = -5 और c = 5 हासिल होगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला को अप्लाई करते हैं और इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंपलीफाई करने से 25 - 20 हासिल होगा। अब 25 - 20 को सब्ट्रैक्ट करने से हमें 5 हासिल होगा, जो कि 0 से बड़ा होगा। जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट्स इरेशनल, रियल और अनइक्वल हैं। अब हम केस 2 को समझने के लिए एग्जांपल 1x² + 8x + 16 = 0 को देखते हैं। इस इक्वेशन के जरिए हमें a = 1, b = 8 और c = 16 हासिल होगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला को अप्लाई करते हैं और इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंपलीफाई करने से 64 - 64 हासिल होगा। अब 64 - 64 को सब्ट्रैक्ट करने से हमें 0 हासिल होगा, जो कि 0 के बराबर होगा। जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसलिए रूट्स रैशनल, रियल और इक्वल है। अब हम केस 3 को समझने के लिए एग्जांपल 2x² - 1x + 1 = 0 को देखते हैं। इस इक्वेशन के जरिए हमें a = 2, b = -1 और c = 1 हासिल होगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला को अप्लाई करते हैं और इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंपलीफाई करने से हमें 1 - 8 हासिल होगा। अब 1 - 8 को सब्ट्रैक्ट करने से हमें -7 हासिल होगा, जो कि 0 से छोटा है। जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल हैं। एक्सप्रेशन b² - 4ac को एक मखसूस नाम दिया गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। ये डिस्क्रिमिनेंट है जो फैसला करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या नहीं। अगर ये 0 से बड़ा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मुख्तलिफ रियल रूट्स होंगे। अगर ये 0 के बराबर हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर ये 0 से छोटा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करें, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट निकालें। हम पार्ट 1 हल करते हैं। दी गई इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a = 2, b = 3, c = -1 हासिल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। इसको हल करने से 17 जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर फाइंड करें और इन इक्वेशंस को हल करके रिजल्ट्स को वेरीफाई करें। पार्ट 1 हल करते हैं। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने से a, b और c की वैल्यूज हासिल होंगी। a = 1, b = -23 एंड c = 120। फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। -23 का स्क्वायर 529 होता है। 4 × 120 = 480 = 529 - 480 = 49। 49 7 का स्क्वायर होता है। 7 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रूट्स रियल और अनइक्वल होंगी। वेरिफिकेशन, दी गई इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की मदद से फैक्टर्स बनाएंगे। -23x को स्प्लिट करके -15x और -8x लिखेंगे। पहली दोनों वैल्यूज में से x को कॉमन लेंगे और नेक्स्ट टू वैल्यूज में से 8 को। इस तरह ये फैक्टर्स बन जाएंगे। दोनों को 0 के इक्वल करने से ये वैल्यूज हासिल होंगी, जो कि रियल और अनइक्वल हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
इस वीडियो में हम यूनिटी यानी वन के क्यूब रूट्स मालूम करेंगे और इन कॉम्प्लेक्स रूट्स को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में पहचानेंगे। यहाँ आपके जहन में एक सवाल आएगा कि वन का क्यूब तो सिंपली वन ही होता है, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाई वन मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू वन होता है। यकीनन वन यूनिटी के क्यूब रूट्स में से एक है, लेकिन इसके अलावा भी इसके दो और रूट्स भी हैं। चलें इन रूट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये फर्ज करें कि x वो क्यूब रूट है जिसको हमने फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, जिसको x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 3 भी लिखा जा सकता है। दोनों अतराफ का क्यूब लेने से एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हासिल होगा और 1 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने से एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हासिल हो जाएगी। इस इक्वेशन में x की ज्यादा से ज्यादा पावर 3 है, इसलिए इसके तीन ही रूट्स भी होंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला दोहराएंगे, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर है। इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए बराबर होता है। तो इस फार्मूला के तहत हम अपनी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन से या तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा या एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले x माइनस वन इज इक्वल टू 0 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आसानी से आ जाती है, जो कि 1 है। ये x माइनस वन इज इक्वल टू 0 में माइनस वन को राइट साइड पर शिफ्ट करने से हासिल होती है। दूसरी जानिब हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए। वैल्यूज पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमें x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 हासिल होगा। क्योंकि हम अंडर रूट माइनस 3 को अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3 और इसको अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर होता है और इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ यू बन जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। माइनस वन प्लस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 और माइनस वन माइनस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ये हासिल होने वाले कॉम्प्लेक्स रूट्स का एक खास नाम है, जिनको ओमेगा और ओमेगा स्केयर कहते हैं। अगर हम कहें कि माइनस वन प्लस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ओमेगा है, तो माइनस वन माइनस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ओमेगा स्केयर बन जाएगा। या फिर अगर हम माइनस वन प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 को ओमेगा कहें, तो माइनस वन माइनस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ओमेगा स्केयर बन जाएगा। यानी अगर दोनों रूट्स में से एक ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्केयर होगा। इसको समझने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इस वीडियो में हम यूनिटी के क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज को सीखेंगे और प्रूफ करेंगे कि यूनिटी के क्यूब रूट्स में मौजूद हर कॉम्प्लेक्स रूट एक दूसरे का स्क्वायर है। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 है। हर कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। तीनों रूट्स का सम 0 है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, यानी Each complex root is the square of the other. इसका मतलब हमने ये दो इक्वेशन
माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू और माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू को प्रूव करना है. माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू से शुरू करते हैं. हम स्केयर के फार्मूला के तहत एक्सपेंड करते हैं जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा. इसको मजीद सॉल्व करने से हमें ये स्टेप मिलेगा और न्यूमिरेटर में 2 को कॉमन लेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा. 2 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा यानी माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू जो कि दी गई इक्वेशन माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू की राइट हैंड साइड के बराबर है. अब दूसरी इक्वेशन माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू को लेते हैं और माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्केयर में ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी फार्मूला के तहत स्केयर को एक्सपेंड करते हैं जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा. इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी. कॉमन लेने से हमें ये स्टेप हासिल होगा. 2 को जब 4 के साथ कैंसिल किया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा और इस तरह ये माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू में रिड्यूस हो जाएगा जो कि हमारी इक्वेशन माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू की राइट हैंड साइड के बराबर है. तो बस इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स एक दूसरे का स्केयर हैं. दूसरे अल्फाज में अगर हम माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू को ओमेगा कहें तो माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू इसका स्केयर यानी ओमेगा स्केयर होगा या अगर माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू को ओमेगा कहें तो माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू इसका स्केयर होगा. अब हम ये साबित करते हैं कि तीनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास ये है. आइडेंटिटी फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर के तहत माइनस वन का स्केयर माइनस अंडर रूट माइनस थ्री का स्केयर ओवर फोर हासिल होगा जो कि वन माइनस इंटू माइनस थ्री ओवर फोर के बराबर है और आखिर में फोर ओवर फोर आएगा जो कि रिड्यूस होकर वन रह जाता है. इस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर ली जिसका मतलब ये हुआ कि वन इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू वन. इसको हम ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं. अब हम ये प्रूव करेंगे कि हर कॉम्प्लेक्स रूट दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का रेसिप्रोकल है. अभी हमने प्रूव किया कि ओमेगा क्यूब वन होता है जिसको ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन के बराबर रखा जाता है. इसको हम ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा स्केयर हासिल होगा या ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा. तो बस ओमेगा को इस्तेमाल करते हुए हमने ये प्रूव कर लिया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का रेसिप्रोकल होता है. चलें अब इसको रूट की वैल्यू में पुट करके हल करते हैं. अब हम इक्वेशन माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू इज इक्वल टू वन ओवर माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू को दुरुस्त साबित करेंगे. राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने से डिनोमिनेटर उलटकर ऊपर आएगा और हमें ये स्टेप हासिल होगा
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमिरेटर में रेडिकल साइन मौजूद है, जबकि हमारी राइट हैंड साइड पर रेडिकल साइन डिनोमिनेटर में आ गया है। इसका मतलब है कि हमें किसी तरीका से डिनोमिनेटर से रेडिकल को हटाना और इसको न्यूमिरेटर में लेकर आना है। ऐसा करने के लिए अगर हम राइट हैंड साइड को -1 -√-3/-1 -√-3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। नोट करें कि हम जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दर हकीकत 1 ही है और इससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी राइट हैंड साइड ये बन जाएगी। इस एक्सप्रेशन को हम a+b (a-b)=a²-b² फार्मूला के तहत हल कर सकते हैं, यानी हमारा डिनोमिनेटर 2 (-1 -√-3)/-1² -√-3)² बन जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए हमें ये स्टेप हासिल होगा जो कि -1 -√-3/2 के बराबर है और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह हमने ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर ली। आइए अब आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं कि तीनों रूट्स का सम 0 है, मतलब 1 + ω + ω² = 0। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 - -1 √-3/2 - 1 + √-3/2। फ्रैक्शन वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे और इनको सम करेंगे जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस तरह 1 - 2/2 हासिल होगा जो कि 1 - 1 = 0 में रिड्यूस होकर 0 जवाब देगा। तो इस तरह ये वाली स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गई। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।